राजीव जी, सचिन जी, सभागार में उपस्थित बेलगाम के प्रबुद्ध नागरिक, I was told that I should be speaking in Hindi, but the proceedings so far have all been in English, including my introduction. So I'm wondering, did I hear it right, or am I supposed to stick to the brief? Hindi. Thank you. First of all, thank you so much for a long and generous introduction. आजकल Google में सब कुछ खोद करके सामने मिल जाता है, including the telephone number, the address, and probably the shirt size as well. तो वो सब कुछ research करके बता दिया मेरे बारे में. बहुत बहुत धन्यवाद. उसमें से कितना इस संदर्भ से जुड़ा है ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन एक विषय मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो कश्मीर से ही जुड़ा है. और जब से मुझे यहां आने का निमंत्रण प्रबुद्ध भारत ने दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं, मेरे मन में वो तथ्य बार बार घूमता रहा. मैं बेलगाम पहली बार आया हूं और ये अवसर देने के लिए मैं प्रबुद्ध भारत का बहुत आभारी हूं. आपसे भेंट हो रही है, आपको अपने अनुभव बांटने का अवसर मिल रहा है, इस अवसर के लिए भी मैं बहुत आभारी हूं. मैं लगभग 1000 साल बाद आया हूं अपने उस पूर्वज के जो यहां 11वीं शताब्दी में आए थे. उनका नाम था बिलहन. आपने नाम सुना है बिलहन. बिलहन कश्मीर से निकले संस्कृत के एक बहुत जाने माने विख्यात कवि माने जाते हैं. बिलहन देशाटन पर निकले, घूमते 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 घूमते, मतलब मथुरा भी गए, कन्नौज भी गए, और उज्जैनी होते हुए फिर यहां कल्याण पहुंचे. यहां एक साम्राज्य था जिसे वेस्ट चालुक्यन एम्पायर कहते हैं. उसके राजा थे विक्रमादित्य VI. उन्होंने उन्हें अपने दरबार में रखा, विद्यापति नाम दिया, क्योंकि उनका संस्कृत पर जो अधिकार था, भाषा पर, साहित्य पर, व्याकरण पर, काव्य पर, उससे प्रभावित होकर के अपने परामर्श मंडली में बिलहन को स्थान दिया. और बिलहन ने विक्रमादित्य षष्ठ के विषय में एक रचना लिखी जिसका नाम है विक्रमांक देव चरित, जो संस्कृत साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है. तो मेरा वो पूर्वज आज से 1000 साल पहले, जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नहीं था, एयरपोर्ट्स नहीं थे, ट्रेन्स नहीं थी, चलते चलते यहां पहुंचा, और ये सब साधन सुविधा उपलब्ध होते हुए मुझे ग्लानि हो रही है कि मैं पहली बार आज बेलगाम आया हूं. तो मैं सोच रहा था कि आज भाग्य जागा है मेरा, लेकिन बिलहन इतना समय पहले आए थे और यहां बहुत नाम कमाया उन्होंने. कुछ बदनामी भी हुई थी उनके बारे में. माना जाता है कि उनको एक राजा ने अपने यहां नौकरी दी. उस राजा का नाम मैं ढूंढ रहा था तो मुझे याद आया उनका नाम था मदन भैरमा, मदनाभिराम. उन्होंने अपने दरबार में उन्हें स्थान दिया. तो उनकी सुपुत्री थी यामिनी पुरनतिलिका, उनके
प्रेम पाश में पड़ गए और राजा को पता चला तो जेल में डाल दिया। अब जब तक सजा सुनाई जाती तब तक उन्होंने चौर पंचाशिका लिख दी। संस्कृत के कवि थे, उनका ये जो गुप्त प्रेम प्रसंग पकड़ा गया तो चौर पंचाशिका लिखी। वो चौर पंचाशिका से इतना प्रभावित हुआ राजकुमारी का पिता यानी राजा कि उन्हें जेल से बाहर निकाला और अपनी पुत्री उन्हें सौंपी और उससे विवाह करा दिया। इस चौर पंचाशिका का बाद में अनुवाद 1848 में फ्रेंच में हुआ, उसके बाद इंग्लिश में हुआ और आज वो संस्कृत के कुछ अनन्य कृतियों में से गिनी जाती है। तो बिल्हन दो कृतियों के लिए बहुत अच्छी तरह जाने माने जाते हैं संस्कृत में, विक्रमांक देव चरित, चौर पंचाशिका। कश्मीर के थे लेकिन इस भूमि पर आकर के उन्होंने अपने कृतित्व का परिचय दिया। मैं उनकी स्मृति को भी प्रणाम करता हूं और आपको पुनः ये अवसर देने के लिए और यहां आने के लिए साधुवाद देता हूं। कश्मीर के विषय में कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, ये हमेशा एक दुविधा रहती है और राजीव जी ने बहुत कम शब्दों में उस पूरी दुविधा को आपके सामने रख दिया। कहने को तो 1990 से अब 2017 तक 27 साल पूरे हो चुके हैं, 28वां शुरू हो गया है। चार पीढ़ियों ने इस दंश को झेला है लेकिन ये केवल चार पीढ़ियों की कहानी नहीं है, ये केवल 1990 से शुरू हुई कहानी नहीं है। कश्मीर इतिहास में बहुत पीछे, बहुत पहले से शुरू होता है। आज हम सब लोग कश्मीर को जिस संदर्भ में जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो कहीं हर भारतीय के मन में ये संशय रहता है कि क्या वो वाकई एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जो कि भारत का ही हिस्सा है, या भारत ने उस पर जबरदस्ती कुछ अधिकार सेना भेज करके किया हुआ है। ये संशय रहता है कि हम एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं, मानवाधिकारों के पक्षधर हैं, शांतिप्रिय देश हैं, तो फिर कश्मीर में जो स्थितियां हैं वो क्यों हैं? तो इस तरह के संशय से जो ग्लानि उत्पन्न होती है या जो एक ऐसा भाव, अपराध भाव आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए हमारी कितनी जिम्मेवारी है, हमें क्या करना चाहिए, ये कई बार जानकारी के अभाव में पनपता है। कश्मीर एक भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, देश के मानचित्र में ऊपर धुर उत्तर में एक राज्य मात्र नहीं है। कश्मीर केवल हमारी सीमा का एक प्रश्न नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि कश्मीर में हम जाकर के प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, देश के नागरिक कश्मीर में जाकर रह नहीं सकते, घर नहीं खरीद सकते, नौकरी नहीं कर सकते वहां की सरकार में। तो ये कोई रियल एस्टेट का झगड़ा नहीं है, हाँ वो भी है लेकिन केवल वो नहीं है। तो उसमें लगता है कि समस्या को हमने बहुत कम करके आंका है। थैंक यू सो मच। कश्मीर ये शब्द अपने आप में उस क्षेत्र के लिए इतना पुराना है जितना भारत भूमि में स्थानों के लिए बहुत कम शब्द हैं। मुझे लगता है कि काशी बहुत पुराना शब्द है,
शायद उतना ही पुराना जितना कश्मीर, या उज्जैनी, या कन्नौज। लेकिन राज्यों के अगर नाम लें तो मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि जब आंध्र आंध्र नहीं था, महाराष्ट्र महाराष्ट्र नहीं था, पंजाब पंजाब नहीं था, बिहार बिहार नहीं था, बंगाल बंगाल नहीं था, तब भी कश्मीर का नाम कश्मीर ही था। हजारों साल से कश्मीर का नाम कश्मीर ही है। ये एक संयोग मात्र है, मैं दंभ पूर्वक नहीं कह रहा हूं, इसमें कोई बहुत गर्व करने की बात नहीं, ये एक बड़ा सुखद संयोग है कि ये शब्द बिगड़ा नहीं। कालांतर में शब्द नाम बिगड़ जाते हैं, उच्चारण दोष में बिगड़ जाते हैं, लोक व्यवहार में बिगड़ जाते हैं, लेकिन कश्मीर शब्द के साथ ये संयोग रहा कि ये बिगड़ा नहीं। हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में भी ये कश्मीर ही है। संस्कृत शब्दकोश में तो कश्मीर का अर्थ है केसर, दोनों शब्द जो हैं केसर और कश्मीर ये बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि वहीं केसर पैदा होता था तो केसर को भी कश्मीर कहते थे। लेकिन कश्मीर जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे पांचांग मिला। आप सब परिवारों में पांचांग जरूर होते होंगे। भारत के हर समुदाय में काल गणना के लिए, मुहूर्त के लिए, विभिन्न उत्सवों की तिथि के लिए एक छोटी सी पुस्तक रहती है जो हमारे पारंपरिक समय निर्धारण में सहायता देती है, कब अष्टमी है कब एकादशी है, ये हम पंचांग देख करके पता करते हैं। तो हमारे यहाँ पंचांग को कश्मीरी में जंत्री बोलते हैं, और मैंने जब उसमें देखा तो हमारा पंचांग अब 5094 साल का है, 5094th ईयर इन कंटिन्यूएशन। मुल्तान संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर चंद्रकांत बाली, उनका निधन आज से 6 साल पहले हुआ, कुछ 92 वर्ष की आयु में। उन्होंने मुझे कहा कि आपके समुदाय का पांचांग भारत के सब समुदायों में सबसे प्राचीन है। वो पांचांग के विशेषज्ञ थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपके पांचांग को कहते हैं सप्तऋषि संवत, विक्रमी संवत है, शक संवत है, हमारे पांचांग को सप्तऋषि संवत कहते हैं। 5094th ईयर इन कॉन्टिन्यूटी, दैट इज हाउ ओल्ड इज आर ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग टाइम। हमारी काल गणना इतना पीछे जाती है, 5094 साल से कंटिन्यूअस, एक श्रृंखलाबद्ध निरंतर चलने वाली। मैं सोचता हूं तो मुझे रोमांच हो आता है, इसलिए नहीं कि यह कितना पुराना पांचांग है, इसलिए कि यह अब तक चला आ रहा है। द एंटिक्विटी, यू नो, बहुत सी परंपराएं उपजती हैं उसके बाद विसर्जित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन एक निरंतरता में चलने वाली कोई परंपरा, और वो अपने आप में इसलिए विलक्षण हो कि उससे कोई प्राचीन ज़्यादा परंपरा नहीं। परंपराओं का अपना एक बहुत बड़ा मूल्य होता है और वो उनकी एंटिक्विटी, उनकी प्राचीनता से पता चलता है। तो अगर मेरा समाज 5094 साल से अपना पांचांग लिख रहा है और ये सबसे पुरानी प्रक्रिया है, तो उतने समय से वो समाज वहां कश्मीर में रह रहा था आज से 28 साल पहले तक। अगर वो परंपरा अक्षुण नहीं रह पा रही है आज, तो अगर उसको
उसकी चिंता किसी को होनी चाहिए तो उसमें से एक कारण चिंता का यह है कि 5094 साल पुरानी ये परंपरा है, 28 साल पहले इसके पूर्णतः नष्ट होने के बीज पड़ गए हैं। फिर एक और तथ्य सामने आया कि हमारे ही प्रदेश का, कश्मीर का, उस स्थान का एक पुराण है जिसका नाम है नीलमत पुराण। उस नीलमत पुराण का आरंभ एक वार्तालाप से होता है। अपने यहां न जाने क्यों बहुत से शास्त्र वार्तालापों से ही शुरू होते हैं और उसी में खत्म होते हैं। महाभारत में वार्तालाप है संजय और धृतराष्ट्र से, गीता में वार्तालाप है श्री कृष्ण से और अर्जुन से, उपनिषदों में वार्तालाप है बड़े बड़े ऋषियों के, मनीषियों के, उनके शिष्यों के, गार्गी के। तो इन वार्तालापों से जो इतिहास का और अनुभव का जानकारी मिलती है, ये एक वार्तालाप है ऋषि जन्मे, ऋषि वैशंपायन और राजा जन्मेजय के बीच। राजा जन्मेजय कौन है? राजा जन्मेजय हैं अर्जुन के प्रपौत्र, अभिमन्यु के पौत्र। राजा जन्मेजय परीक्षित के पुत्र, राजा जन्मेजय अर्जुन के प्रपौत्र, अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय। वो वैशंपायन ऋषि से पूछते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पूरे भारत से सेनाएं आई थी, कश्मीर से सेना क्यों नहीं आई? कश्मीर से सेना अपेक्षित थी क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग तब भी था। सेनाएं क्यों नहीं आई पूछा तो उन्होंने कहा कि कश्मीर का उस वक्त सम्राट जो था वह अबोध था, अल्पवय था, इसलिए सेना नहीं आई। अल्पवय क्यों था राजा जन्मेजय ने पूछा तो उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से बताया कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध जो काशी नरेश थे उन्होंने कश्मीर के नरेश गोनंद को बुलाया और कहा कि तुम्हारे ही कुल के कंस का वध हुआ है, उसका प्रतिशोध लीजिए। तो उन्होंने कृष्ण को द्वंद्व के लिए चुनौती दी। कश्मीर के राजा गोनंद ने श्री कृष्ण को मथुरा में चुनौती दी। तो बलराम जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे उन्होंने कहा पहले मुझसे द्वंद्व कीजिए, और उस द्वंद्व में उन्होंने बलराम ने गोनंद को हरा दिया। तो गोनंद के स्थान पर दामोदर उनका छोटा भाई राजा बना। कालांतर में श्री कृष्ण स्वयंवर रचाने जाते हैं गांधार, और उस समय वहां उनका स्वयंवर होना था सत्यभामा से श्री कृष्ण का। तो वो जो टेरिटरी है, सीमा है, वो कश्मीर गांधार जनपद के बीच से होती जाती है। तो जब कृष्ण जा रहे थे तो दामोदर जो गोनंद के भाई थे, छोटे भाई, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई का वध, गोनंद का वध कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने किया है, तो आज वो मेरी सीमा से जा रहा है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि उस वध का प्रतिशोध लूं। तो दामोदर ने आके श्री कृष्ण से चुनौती की युद्ध की, श्री कृष्ण ने उस द्वंद्व में उसका वध किया। अब सब यदुकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि गोनंद भी नहीं है, दामोदर भी नहीं है, तो ये राज्य यदुकुल के राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध की परंपरा नहीं है, राज्य को उसके उचित उत्तराधिकारी के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा तो उत्तराधिकारी नहीं है, क्या करें? तो श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तराधिकारी है, वह दामोदर की पत्नी यशोमती के गर्भ में पल रहा है। तो उन्होंने प्रतीक्षा की। सबसे पहले यशोमती को श्री कृष्ण ने कश्मीर में जाके अपने हाथों से उनका राज्याभिषेक किया, और कतिपय इतिहास में ये किसी भी स्त्री के शासक बनने का पहला उदाहरण है जिनको श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से उनका राज्याभिषेक किया। और फिर जब उनको पुत्र लाभ हुआ
तो उस पुत्र को अभी अल्पवय ही होना था कि महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध की भी यह परंपरा थी कि कौरव और पांडव केवल आमंत्रित कर सकते थे राजा को, राजा को अपने विवेक से तय करना होता था कि वे किसकी ओर से युद्ध में भाग लेगा। देखिए पुराणों में भी ऐसे ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि उस समय की जो परंपरा थी, जो मूल्य थे, जो नियम थे, उसके ऊपर जो आदर्श थे उनका पता चलता है। अल्पवय युद्ध में भाग नहीं लेगा, जैसे Juveniles will not take part in the war। ये 5000 साल पुरानी परंपरा आज छोटे छोटे बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बना के भेज दिया जाता है अपने माँ बाप द्वारा। हो रहा है इसी दुनिया में, मिडल ईस्ट में हो रहा है। वीडियो बनाते हैं उनका पहले, फिर कहते हैं कि देखिए शहीद निकला है हमारे देश, हमारे परिवार से गर्व करते हैं। वॉर की मोरालिटी, दैट किंगडम्स विल नॉट बी एनेक्स्ड, दैट देयर इज अ सिस्टम विच विल बी ऑनर्ड, वी विल नॉट कवट टेरिटरी। तो उस आज से इतने वर्ष पहले वी कॉल ourselves सिविलाइज्ड। खैर, तो कौरवों और पांडवों ने मिलके तय किया कि कश्मीर के राजा को युद्ध में आमंत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्पवय है और अल्पवय होने के कारण उसकी विवेक दृष्टि ऐसी नहीं है कि तय कर सके कि धर्म किस ओर है। महाभारत एक धर्म का युद्ध था, और वैसे भी युद्ध में आप जब आमंत्रित करते हैं दोनों मिलकर, तो राजा तय करता है कि वो किस ओर से युद्ध में भाग लेगा। सो टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक चॉइसेस, टॉक अबाउट मोरालिटी ऑफ वॉर, एंड दीज इशूज आर सो क्लियरली इनंसिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड नीलमत पुराण अबाउट कश्मीर्स हिस्टोरिसिटी एंड इट्स पोजिशन इन आवर ओन, कॉल इट माइथोलॉजी, आई वुड कॉल इट इतिहास। ये मेरे फोकलोर में, मेरी कहानियों में, मेरे समुदाय के मानस में यहां है कश्मीर। आज हमारे पाठ्यक्रमों में ये कहीं नहीं होगा, आज हमारे इतिहास की पुस्तकों में या परंपरा के वाहन में इसका कहीं वर्णन नहीं होगा, आपको जानकारी नहीं होगी, मेरे मुझे जानकारी से वंचित रखा गया। और मुझे प्रयासवश इनको ढूंढकर पढ़ना पड़ा, जानना पड़ा, क्योंकि हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता था कि हम कौन हैं, हम कहाँ के हैं, हम क्या वाकई वो सेंट्रल एशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान के हैं, उज्बेकिस्तान के हैं, जहाँ के आजकल वो कश्मीर में जिहाद करने वाले लोग कह रहे हैं कि हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत से कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत के साहित्य में, अगर कश्मीर में लिखे संस्कृत साहित्य को या कश्मीरियों द्वारा लिखे संस्कृत साहित्य को आप निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा ये संस्कृत के विद्वान कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब मैं कहता हूं कि कश्मीर कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, कश्मीर कोई टेरिटरी का प्रश्न नहीं है, तो मैं इस संदर्भ में आके कहता हूं कि कश्मीर हमारी आस्था में कहां था वो मैंने आपको बताया, कश्मीर हमारे साहित्य में कहां है मैं आपको बता रहा हूं। चार वेदों को हम संस्कृत साहित्य के आदि ग्रंथों में मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन वेदों के अधिकांश भाग कश्मीर में लिखे गए। कुछ विद्वान कहते हैं कि यदि किसी ग्रंथ को पांचवा वेद मानना है तो वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है।
कुछ लोग उसे नाट्य वेद कहते हैं, नाट्य शास्त्र भी नहीं कहते हैं। उस नाट्य वेद को या नाट्य शास्त्र को अगर पढ़ना है, समझना है, पढ़ाना है, तो उसके लिए एक और ग्रंथ है जिसका नाम है अभिनव भारती, जिसे लिखा अभिनव गुप्त ने, कश्मीरी थे, कश्मीर में लिखा। कुछ लोग अभिनव भारती को नाट्य वेद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वो उस ग्रंथ पर लिखी ऐसी टिप्पणी है जो कि उस ग्रंथ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, ग्रंथ को समझने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। और अभिनव गुप्त जिन्होंने ये लिखा, वो अपनी अभिनव भारती के लिए उतना नहीं जाने जाते, उन्होंने दर्जनों ग्रंथ लिखे हैं, और अभिनव भारती उनके कुछ सामान्य ग्रंथों कृतियों में से एक है। वो माने जाते हैं तंत्रालोक के लिए, जो कश्मीर शैव मत का आधार ग्रंथ है। वो शैव मत जो कालांतर में यहां आया और एक बहुत बड़े फले फूले समुदाय, वीर शैव समुदाय जो आपको यहां मिलता है, उस प्रेरणा से पुष्पित पल्लवित हुआ। तमिल शैविज्म का आधार भी वही शैव मत है। कैसे? मदुरई से एक योगी जाते हैं ढूंढते हुए अभिनव गुप्त को। तब कोई गूगल नहीं था, कोई फेसबुक नहीं थी, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई वेबसाइट नहीं थी, कोई टेलीफोन्स नहीं थे, पता नहीं चलता था। लेकिन ख्याति अभिनव गुप्त की देश के कोने कोने में फैल गई थी उनकी कृतियों की। तो मदुराज योगी मदुरई से पैदल चल करके कश्मीर पहुंचते हैं अभिनव गुप्त के पास। 4 वर्ष वहां बिताते हैं और उनका पुत्र वरदराज लौटता है उन शैव सिद्धांतों को लेकर जो तमिल शैव मत का आधार है। मधुराज योगी ने अभिनव गुप्त के विषय में एक रचना लिखी है जिसको हम एक पेन पोर्ट्रेट कह सकते हैं। उसको आधार बनाकर असित हालदार ने एक चित्र बनाया अभिनव गुप्त का, जो हमें बताता है कि अभिनव गुप्त कैसे दिखते थे, क्या क्या किस वातावरण में रहते थे, उनके आसपास क्या था, उनकी दिनचर्या कैसी होती थी। वो मधुराज योगी अभिनव गुप्त के विषय में लिखते हैं कि और सबका लिखा हुआ तो मानो पानी पर, जल पर, और अभिनव गुप्त जब लिखते हैं तो मानो हृदय पर। ऐसे विद्वान अभिनव गुप्त कश्मीर में हुए, उनके गुरु कश्मीर में हुए, उनके पूर्ववर्ती विद्वान। उस अभिनव गुप्त के विषय में आज दुनिया भर में 80 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, उन 80 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में एक भी विश्वविद्यालय भारत में नहीं है, एक भी। अनन्य विद्वान है रफाइल टोरेला, इटली से आते हैं, उनको सुनने के लिए ऋषि तुल्य विद्वान है, लोग बैठ करके सुनते हैं अभिनव गुप्त के बारे में। ये हमारी त्रासदी है कि अभिनव गुप्त को समझने के लिए हमें बेटीना बॉमर के पास जाना पड़ता है, रिचर्ड लिडके से पूछना पड़ता है, दिचकोविस्की को पढ़ना पड़ता है। अभिनव गुप्त पर लिखने वाले केसी पांडे मर खप गए लिख लिख कर, इस देश ने सुध नहीं ली। अभिनव गुप्त ने जो थ्योरी दी, रस की थ्योरी दी, रस सिद्धांत दिया, एस्थेटिक्स के ऊपर जो लिखा, वो आज एस्थेटिक्स की स्टडी में ऐसा टेक्स्ट है जिसको बिना एस्थेटिक्स पढ़ा नहीं जा सकता दुनिया में कहीं। पोएटिक्स की पढ़ाई संभव नहीं है दुनिया में कहीं भी, किसी साहित्य में नहीं है, वो अभिनव गुप्त ने दिया। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने उनका नाम सुना होगा,
ये अपराध किया है हमने अपने साथ और अपनी पीढ़ियों के साथ। आनंद वर्धन हुए, उन्होंने ध्वन्यालोक लिखा, ध्वनि के ऊपर एक पूरा शास्त्र लिखा, साउंड, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड दुनिया भर में पढ़ा जाता है। हमको जरूरत ही नहीं है, हमको कोई जरूरत नहीं है। मम्मट हुए कश्मीर में, उन्होंने काव्य प्रकाश लिखा पोएटिक्स के ऊपर, रेफरेंस मटेरियल है, बेसिक प्राइमरी मटेरियल है पोएटिक्स के ऊपर, कहीं भी पढ़ाई होती है दुनिया में उसके लिए, हमने नाम भी नहीं सुना है। रुयक हैं, कैयट हैं, ग्रामेरियंस ऐसे हैं कि दुनिया भर उनको पढ़ती है, हमें कोई लेना देना नहीं है। पाणिनी आपने जरूर नाम सुना होगा, स्वात घाटी में पैदा हुए थे, स्वात का नाम सुना है आपने? हाथ उठाएंगे किसी ने स्वात वैली का नाम सुना है? आई कैन सी अबाउट अ डजन और हैंड्स, आई एम हैप्पी दैट यू नो अबाउट स्वात, लेकिन स्वात किस रेफरेंस में सुना आपने? किस रेफरेंस में सुना होगा स्वात? जी टेररिज्म, जी हाँ, मलाला यूसुफजई, जी हाँ, स्कूल जाती हुई लड़की के सर पे गोली मार दी थी, वो है स्वात। मुल्ला फजलुल्ला का स्थान है स्वात, जो तहरीके तालिबान का सरगना है, उसको मुल्ला रेडियो भी कहते हैं, अपना रेडियो स्टेशन चलाता है, वो है स्वात। स्वात में पाणिनी पैदा हुए थे। स्वात कश्मीर वैली से एज द क्रो फ्लाइज इज लेस देन 100 किलोमीटर्स। उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, जो व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ है दुनिया में, कहीं भी किसी सभ्यता में किसी संस्कृति में व्याकरण पर ऐसा काम नहीं हुआ है। कश्मीर जनपद का हिस्सा था। सो टेल मी दैट कश्मीर इज जस्ट अ टेरिटरी एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज जस्ट नॉट अ टेरिटरी। पतंजलि हुए, नाम सुना होगा, बाबा रामदेव को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इसको पूरी दुनिया में फैला दिया, लेकिन उनके योग सूत्र कश्मीर में लिखे गए, तो कश्मीर की देन है। शारंगदेव का तो नाम आपने जरूर सुना होगा, उन्होंने संगीत रत्नाकर लिखा, पूरे भारत की संगीत शास्त्रीय परंपरा का आधार ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। वो कर्नाटक शैली भी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली, दोनों शैलियां उस संगीत रत्नाकर से उपजती हैं। इस आधारभूत ग्रंथ के रचयिता शारंगदेव प्रथम सर्ग में अपना परिचय देते हुए कहते हैं, अस्ति स्वस्ति ग्रह कुल वंशम श्रीमद काश्मीर संभवम, कि मैं श्रीमद काश्मीर में जन्म लिया हूं। कश्मीर के मातृभूमि का नाम लेने से पहले श्रीमद लगाते हैं आदर सूचक। तो कश्मीर हमारी ज्ञान परंपरा का केंद्र रहा है, आधार रहा है। काशी जैसी जगह जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान अर्जित करने आते थे, तो वहां भी परंपरा थी कि दीक्षांत समारोह में स्नातक एक परंपरा अनुसार दीक्षा उपरांत 4 पग कश्मीर की दिशा की ओर चलते थे कि यहां से अब आगे ज्ञान लेने कश्मीर जाना है। काशी के छात्र, इसीलिए कश्मीर को शारदा प्रदेश भी कहा गया। आप में से बहुत से लोग, क्योंकि शारदा मठ श्रृंगेरी में है, इस श्लोक से परिचित होंगे, नमस्तुते मां शारदे काश्मीर पुरवासिनी प्रार्थये त्वामहं नित्यं विद्यादानं च देहिम। उस शारदा माँ की मैं पूजा करता हूँ,
उसे प्रणाम करता हूं जो काश्मीर पूर्वासिनी है, क्षमा, और उससे ज्ञान का दान मांगता हूं। वो है कश्मीर। कश्मीर में शारदा पीठ थी। ये वो शारदा पीठ है जहां कालड़ी से शंकर गए और वहां जाकर शंकराचार्य हुए। उनके लिए दक्षिण द्वार खोला गया उनकी विद्वता से प्रभावित होकर, और फिर वो वहां से शारदा का ज्ञानपुंज लेकर यहां आए और उन्होंने श्रृंगेरी में शारदा मठ स्थापित किया। तो इस भूमि और कश्मीर का एक बहुत पुराना संबंध है, इसलिए यहां आकर मैं और ज्यादा रोमांचित होता हूं। और आपको उस संबंध के विषय में परिचित कराना अपना सौभाग्य समझता हूं। तो कश्मीर केवल एक प्रांत नहीं है, केवल इतिहास में पढ़ाई सुनाए जाने वाली कथाओं का, हमारी आस्था का एक क्षेत्र नहीं है, केवल हमारी ज्ञान परंपराओं का, हमारे शास्त्रों का, हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित की गई मनीषा का स्रोत ही नहीं है। तो इतिहास में यदि आपने ललितादित्य का नाम सुना, किसी ने, ललितादित्य, एक हाथ खड़ा है, दो, ये एक और त्रासदी है। मैं आपसे पूछूंगा कि अकबर द ग्रेट सुना है तो सारे के सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट के अगर एम्पायर्स मिला दिए जाएं तो विक्रमादित्य, ललितादित्य का एम्पायर शायद उससे बड़ा होगा। वो ललितादित्य 699 ईस्वी में पैदा हुए, 718 ईस्वी में राजा बने, यहां कावेरी तक उनका साम्राज्य था दक्षिण में, पूर्व में प्राग ज्योतिषपुर ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र तक सीमा थी, महाराष्ट्र गुजरात के स्थान पर तब राष्ट्रकूटों का शासन था, वो उनका आधिपत्य स्वीकार करते थे, और उत्तर पश्चिम में कैस्पियन सी तक जाता था, ये साम्राज्य था ललितादित्य का, कारकोटा डायनेस्टी थी। आपके इतिहास से गायब है, मेरे इतिहास से गायब है, हमारी स्मृतियों से गायब है, ये छल हुआ है हमारे साथ। मेरे परिचय में कहा गया कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, चाइनीज पढ़ी, मुझे आज लगता है कि मैंने अपना समय व्यर्थ किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में मुझसे इतना कुछ छुपाया हटाया जा रहा है, मुझे अपनी पहचान से वंचित किया जा रहा है। ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र सा है कि मुझ में जो मैं हूं उसको निचोड़ के निकाल दिया गया है और उसमें कुछ और भर दिया गया है। जैसे वो टूथपेस्ट की ट्यूब होती है, आप उसमें से कुछ निकाल दें जो उसके भीतर का तत्व है और फिर उसमें कुछ और भर दें, इंजेक्ट कर दें। उस पर नाम तो वही होगा छपा हुआ, लेकिन अंदर कुछ और होगा। तो हमारी शिक्षा के माध्यम से, हमारे पाठ्यक्रमों के माध्यम से, हमारे सार्वजनिक चर्चाओं के माध्यम से, हमारी राजनीति के माध्यम से, हमारी अर्थव्यवस्था के माध्यम से, हमें वो नहीं रहने दिया जा रहा जो कि हम हैं। हमें वो नहीं बताया जा रहा कि हम क्या हैं, हम क्या थे, हम कहां से चले हैं, हमारे होने का औचित्य क्या है। मैं ग्रीक फिलॉसफी के बारे में जानूं, बहुत अच्छा है,
मैं वेस्टर्न फिलोसोफर्स को जानूं बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने माँ बाप का, अपने पूर्वजों का परिचय न जानूं और उन सबको जानूं तो ये समझ में नहीं आता। मैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से वंचित रह जाऊं और जब नहीं जानूंगा तो उनका मूल्य कैसे समझूंगा, उनका महत्व कैसे समझूंगा, तो उन्हें नष्ट होने ही दूंगा। ऐसी स्थिति में अगर मुझे लाकर के आज खड़ा कर दिया है तो इसका दोषी कौन है? कश्मीर के माध्यम से मैं आज ये कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये केवल कश्मीर के विषय में नहीं है। कश्मीर एक माध्यम बन गया है इन बड़े प्रश्नों को सुनने, समझने और उनका उत्तर ढूंढने का। क्योंकि कश्मीर की कहानी अब जहां पहुंची है वो कहानी आप तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, भटकल तक पहुंच चुकी है। अगर आपको अंदाजा करना है कि कश्मीर की कहानी क्या है, एक हफ्ता भटकल में रह आइए, बहुत दूर नहीं है यहां से। और देश में ऐसे 5,000 भटकल बन चुके हैं। कैसे हुआ ये सब? 1339 में पहला इस्लामी शासक आया था कश्मीर में, युद्ध जीत के नहीं आया था, सेना लेकर नहीं आया था, प्राण बचाने आया था। 1315 में शरण मांगने आया था, उसका नाम था शाहमीर, एक नवयुवक था। 1315 में जब वो कश्मीर आया तो वो स्वात घाटी से आया था जहां इस्लाम का शासन आ चुका था। वो वहां पर शासक बनना चाहता था, उसके लिए वो किसी तरह के षड्यंत्र कर रहा था, पकड़ा गया, जान बचाने के लिए भागा, कश्मीर आ गया। उदयन देव ने शरण दी। उदयन देव को लगा कि मेरे पड़ोस में इस्लाम आ गया है, उसके विषय में ज़्यादा मालूम नहीं है, वहां से जान बचाकर कोई कुलीन आया है तो अच्छा ही होगा, उनके विषय में और पता चलेगा, और कुलीन वर्ग का है तो परामर्श जो मंडल था उसका उसमें रख दिया, दरबार में रख लिया। और कालांतर में वही पैलेस इंट्रीग के माध्यम से षड्यंत्र कर शासक बना 1339 में। उसने तत्कालीन जो कुलीन वर्ग था उसको प्रभावित किया, राज तिलक और मंत्रोच्चार के साथ राजगद्दी पर बैठा शाहमीर, शमसुद्दीन डायनेस्टी का पहला राजा कश्मीर का। और उसके बाद 222 साल इस वंश ने शासन किया, 25 राजा हुए इन 222 सालों में, और उसके बाद आए चक, और उसके बाद आए मुगल, और उसके बाद आए पठान। लेकिन 1339 में जब वो राजा बना तो 1450 तक संस्कृत राजभाषा रही, क्योंकि कश्मीर संस्कृत की भूमि थी, वहां ब्राह्मण ही नहीं आम लोग संस्कृत बोलते थे, बिलहन कहते हैं, वही बिलहन जिनका मैंने वर्णन किया यहां चालुक्यों के प्रदेश में आए थे। उन्होंने लिखा है कि मेरे कश्मीर में धान रोपने वाली स्त्रियां संस्कृत में गाती हैं जब वो धान रोपती हैं। धान रोपना होता है ना, यानी रीप्लांट पैडी, वो लाइन से खेत में घुटनों तक के पानी में झुक करके धान रोपती हैं, और वो जो गाती हैं वो संस्कृत में गाती हैं। ये बिलहन लिखते हैं अपनी मातृभूमि का परिचय देते वक्त। तो
इस शमसुद्दीन डायनेस्टी की मजबूरी थी कि वो उस कुलीन वर्ग को, उस वहां की जनसंख्या को साथ लेकर के चले, तो संस्कृत नहीं हटाई। कम से कम 6 पीढ़ी तक मंत्रोच्चार के साथ, राज तिलक के साथ राजगद्दी पर आसीन होते थे। 1450 के बाद उनकी हिम्मत बढ़ी, उन्होंने संस्कृत को हटा के पर्शियन को कोर्ट लैंग्वेज बनाया, क्योंकि तब तक जब एक राजा किसी मजहब को अपनाता है तो उसे उस मजहब को फैलाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन कश्मीर में बहुत कुछ करना पड़ा। मार काट करनी पड़ी, मंदिर तोड़ने पड़े। 1405 में, यानी अभी संस्कृत राजभाषा थी, राजा था सुल्तान सिकंदर, उसका नाम पड़ा बुधशिकन। बुधशिकन पर्शियन में कहते हैं मूर्ति भंजक को। आप लोग अगर गूगल करें या कुछ कश्मीर गए होंगे, अनंतनाग में एक मंदिर है मारतंड का, सूर्य मंदिर, देखिए कितना भव्य है। उसे ललितादित्य ने बनवाया था 8वीं शताब्दी में। उस मंदिर को देख करके उसे तोड़ने का मन किया। थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, वीएस नेपाल लिखते हैं कि ये कैसी मानसिकता है कि किसी सुंदर चीज को देखकर एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति कहता है कि ये मेरी हो जाए, है ना, कोई सुंदर वस्तु हो तो लोभ उत्पन्न होता है कि इसको मैं रख लूं। लेकिन ये कौन सी मानसिकता है कि किसी सुंदर भवन, किसी सुंदर वस्तु को देखकर आप उसे नष्ट करने पर तुल जाएं? ये किया सिकंदर बुधशुकन ने मारतंड के सूर्य मंदिर के साथ। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हम्पी जाकर के देखेंगे तो आपको वही मानसिकता दिखाई पड़ेगी। वीएस नेपाल 4th जनरेशन कैरेबियन, ट्रिनिडाड से चलकर अपने पूर्वजों की भूमि भारत आए थे mid-60s में कि मैं जाकर के देखूं कि मेरे पूर्वज किस देश में, किस समाज में रहते थे। और वो लिखते हैं कि जब मैं हम्पी आया तो मैं खड़ा होकर के रोता रह गया कि ऐसी कौन सी बर्बरता है जिसने मेरे देश और मेरे पूर्वजों की भूमि के साथ ऐसा किया है। उस पीड़ा से निकला उनका पूरा साहित्य। अ वुंडेड सिविलाइजेशन उन्होंने लिखा, एन एरिया ऑफ डार्कनेस उन्होंने लिखा, अमंग द बिलीवर्स उन्होंने लिखा, जिसे आज से 10 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला। वो मारतंड जाते तो इसी तरह रोते। उसके पास बारूद नहीं था सिकंदर बुधशिकन के पास, तो उसने खाइयां खोद दी उस मंदिर के चारों ओर। बड़ी बड़ी शिलाएं थी, तोड़ नहीं पा रहा था। सैकड़ों एकड़ वन काटा, उसकी लकड़ी उन खाइयों में डाली, वो महीनों तक सुलगती रहीं, उससे शिलाएं चिटक गईं, उनमें क्रैक्स आ गए लेकिन वो गिरी नहीं, तो हार कर उसने उसको छोड़ दिया। ये वो मंदिर है जो अगर आपने एक फिल्म देखी हो हैदर, तो उसके अंत में उस मंदिर के आसपास शूटिंग हुई है, उसमें से एक बड़े से भूत को निकलते हुए दिखाया गया है। अपने धरोहर का इस तरह का अपमान हम लोग अपनी फिल्मों में कर लेते हैं और इसे होने दिया जाता है। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इससे किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होती हैं। हमारा समुदाय जो है उसकी सेंटिमेंट्स को 800 साल से लकवा मार गया है, वो हर्ट नहीं होती हैं, बाकी सब की होती हैं। खैर, एक एक मंदिर की वहां ईंट से ईंट बजाई गई। और मंदिरों की तो बात छोड़ दीजिए, वहां के समुदाय के साथ क्या किया गया, ये वहां की राजतरंगिनियों में दर्ज है।
1990 के जिस एग्जोडस की बात राजीव जी कर रहे थे, वो हमारा सातवां एग्जोडस है। उससे पहले 6 पलायन हुए हैं। ये 6 पलायन इन्हीं काल में हुए हैं, 1339 के बाद से 1719 तक। चौथे शासक थे 1752 से 1819 तक पठान, उनका सबसे क्रूर शासन काल रहा। तो इन 500 वर्षों के कालखंड में 6 और पलायन हुए। जब ये 6 पलायन हुए तो हम कश्मीर के हिंदू सीने पर ये पत्थर रख के बैठ जाते थे कि क्या करें, एक आक्रांता शासन है, हम गुलाम हैं, हम शत्रु के अधीन हैं, क्या कर सकते हैं, भुगतना पड़ेगा, दुर्भाग्य है, दुर्दैव है। लेकिन सातवां जो पलायन हुआ 1990 में, वो एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ जी, हमारी चुनी हुई सरकार की नाक के नीचे हुआ ना, हमारे पास एक सशस्त्र सेना थी ना, उसके होते हुए हुआ। उसका दोष आप किसको देंगे, किस शासक को, किस हमलावर को, किस आतंकवादी को देंगे? ये उस देश में हुआ जिसने कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स को स्वीकार किया, यूएन द्वारा जारी उस ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं ना हम, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने अपने राज्य में, अपनी अपनी व्यवस्था में उन मानवाधिकारों की पालना हो। तो ये सातवां पलायन आज की युग में यूनाइटेड नेशंस के होते हुए, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के होते हुए, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, एक चुनी हुई सरकार के होते हुए, 10,00,000 सेना के होते हुए हुआ। किसको शर्म आती है? मुझे कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से समुदाय उखड़ते हैं, हजारों की संख्या में लोग इधर से उधर जाते हैं, तो इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात यह है कि अपनी अर्थव्यवस्था के चलते, अपने अवसरों के चलते, शिक्षा के चलते, व्यवसाय के चलते लोग जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन उनका जो मूल समाज है वो इंटैक्ट रहता है, वो वहां वापस लौट सकते हैं, वो वहां जाकर के पुनः रह सकते हैं, वहां विवाह के संबंध रख सकते हैं, अपने समाज का पुनर्सर्जन कर सकते हैं। हमारा मूल समाज कहीं भी नहीं रहा है, हमारे बच्चे अपनी भाषा कहां सीखें उन्हें मालूम नहीं है, हमारे रीति रिवाज कैसे पलेंगे, कैसे बढ़ेंगे, इसकी कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है। तो हमारी पीढ़ियां, हमारी पहचान, जिन 4 पीढ़ियों का जिक्र किया राजीव जी ने, उसके बाद 5वीं और 6ठी पीढ़ी में बचेगी नहीं, नाम रह जाएंगे, पूर्वजों के कुछ चिन्ह रह जाएंगे, लेकिन आपकी भाषा नहीं रहेगी, आपकी पहचान के जितने मार्कर्स हैं वो नहीं रहेंगे। तो अपने आप को अभिनव गुप्त का वंशज कहने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे समुदाय से आज संस्कृत की स्कॉलरशिप खत्म हो गई है। मेरे पूर्वजों द्वारा संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों को पढ़कर समझाने और पढ़ाने वाला कोई नहीं बचा है। यह स्थिति मेरे समाज की है और इसके लिए उत्तरदायित्व लेने को कोई जिम्मेदार नहीं। कश्मीर के विषय में 1993 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। वो घटना यह थी कि पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उन्होंने इसका जवाब देने के लिए किसी सरकारी दल को नहीं भेजा,
उन्होंने कहा सरकार इसका विरोध नहीं करेगी, भारत इसका विरोध करेगा। तो उन्होंने तत्कालीन विपक्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी को नियुक्त किया, अपने मंत्री सलमान खुर्शीद को नियुक्त किया, कश्मीर हिंदुओं का संगठन है पनून कश्मीर उनका डेलीगेशन जनीवा भेजा, और जनीवा में हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दी। उस प्रेजेंटेशन में ये डिटेल्स दिए कि अगर कश्मीर में मानवाधिकारों का कोई हनन हुआ है तो वो कश्मीरी हिंदुओं का हुआ है, पूरा समाज का पलायन कर दिया गया है। और ये रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो 57 हैं उनकी तरफ से आया था। तो जब ये पूरी घटनाक्रम उनके सामने रखा गया तो पाकिस्तान का जवाब था कि देखिए कश्मीर इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन, कि ये तो उस समय बंटवारे के समय पाकिस्तान में आ जाना चाहिए था, क्योंकि बंटवारे में मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान जाने थे, हिंदू बहुल क्षेत्र भारत में रहने थे। तो उस समय टीएन कॉल एक राजनयिक थे, उन्होंने कहा कि यदि बंटवारे की शर्तों पर ही कश्मीर का फैसला होगा तो आर यू रेडी टू टेक 15 करोर मुस्लिम्स अलोंग विद टेरिटरी ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान, बिकॉज पार्टीशन वॉज टू क्रिएट टू सेपरेट नेशंस, वन फॉर हिंदूज एंड वन फॉर मुस्लिम, देयर हैड टू बी अ ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, कि हिंदुओं के लिए भारत है, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है। लेकिन भारत ने कहा कि जो मुसलमान यहां रहना चाहें रहें। ऐसे में अगर आप फिर भी वही सिद्धांत अपनाते हो तो फिर ठीक है, आप कश्मीर भी ले जाइए और 15 करोड़ मुसलमान भी साथ ले जाइए, करेंगे क्या? ईरान को बात समझ में आ गई, ईरान विड्रू इट्स सपोर्ट, उसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने अपना सपोर्ट उससे विड्रॉ किया। उन्होंने कहा ये बात नहीं चल सकती, वो रेजोल्यूशन गिर गया, पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा जनीवा में, क्योंकि भारत की तरफ से यह दावा था कि कश्मीर में यदि कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन है तो वो कश्मीरी समुदाय के साथ है, उनकी एथनिक क्लेंजिंग हुई है, रिलीजियस एथनिक क्लेंजिंग हुई है। अगले साल हम वापस आते हैं, दिल्ली में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो नया नया नवगठित हुआ है, उसके चेयरमैन है जस्टिस वेंकटाचलैया, उनके पास जाकर के कहते हैं कि 4 साल हो गए हमारे विस्थापन को, आप क्या कर रहे हैं इस विषय में? और इस ह्यूमन राइट्स कमीशन को कहा जाता है कि देखिए हमारे साथ एक जेनोसाइड हुआ है, जाति संहार हुआ है। तो जस्टिस वेंकटाचलैया नोटिस देते हैं सरकार को कि हमारे पास ये एक पिटिशन आई है, आपको इसमें क्या कहना है? तो आप जानते हैं तत्कालीन सरकार लिखित में क्या जवाब देती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, अंग्रेजी में आई एम जस्ट कोटिंग वर्बटिम, वो कहते हैं कि माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी हिंदूज फ्रॉम कश्मीर वैली इज सेल्फ इंड्यूस्ड। हम कहते हैं कि अभी कुछ महीनों पहले आपने जनीवा में यूएन को बोला है कि दे आर विक्टिम्स ऑफ एथनिक क्लेंजिंग, तो कहते हैं कि देखिए आप हमें, वी आर फाइटिंग अ वेरी ग्रिम बैटल इन कश्मीर, सो डोंट पुट अस इन द डॉक, डोंट डिस्ट्रैक्ट अस, वी आर ट्राइंग टू समहाउ डू समथिंग फॉर यू, सो कीप क्वाइट, वी विल हेल्प यू, विल बी देयर। एंड हाउ आर दे ट्राइंग टू हेल्प अस? दोज हु कमिटेड दैट जेनोसाइड इन कश्मीर एंड किक्ड अस आउट, those who murdered, those who raped, those who usurped our houses, those who desecrated our temples, those who committed massacres, do do saal ke bachchon ke upar jinhone AK-47 ki puri magazine khali kar di thi, aise logon ko wo abhay dekar kehte hain ki aapke hum cases withdraw karenge, आप भारत की ओर अपना रुख कीजिए। यासीन मलिक जैसे लोग, बिट्टा कराटे जैसे लोग, डू यू नो
that in the last 27 years, not one murder, not one rape, not one abduction, not one usurping of property, not one desecration of temple, not one crime, not even as an exception, has been prosecuted, sentenced, convicted. Not even one in Kashmir. एक भी विक्टिम को, एक भी सर्वाइवर को आज तक न्याय नहीं मिला है. जिन लोगों ने मीडिया में इंटरव्यूज देकर इसको घमंड से कहा था कि हां हमने मारा है, वो आज नेता बने घूम रहे हैं. उनको हमारी सरकार पालती है, उनका खर्चा देती है. 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है. ये आरटीआई में होम मिनिस्ट्री ने बोला है जस्ट 2 महीने पहले. उनका इलाज कराती है, देश में नहीं हो पाता तो विदेश में भेज के इलाज कराती है. वो पासपोर्ट पे घूमते हैं. आप अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या. इन लोगों ने जेनोसाइड किया है. ये दुनिया भर में घूमते हैं. इनके प्लेन टिकट्स, इनके होटल बिल्स हमारी सरकार आपके टैक्स से पे करती है. ये हो रहा है कश्मीर के साथ. क्या मजबूरी है? देश भर में सेक्युलरिज्म चलेगा लेकिन कश्मीर में निजामे मुस्तफा चलेगा? क्या मजबूरी है? आज बांग्लादेश 1971 के अपने वॉर क्रिमिनल्स को फांसी दे रहा है ना. आज आप अखबारों में पढ़ते होंगे, वॉर हुई थी 1971 में, 45 साल से ज्यादा हो गए, फांसियां दे रहे हैं उनको. वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल गठित करके उन पर ट्रायल्स चलते हैं, उनको कन्विक्ट किया जाता है प्रोसीजर के थ्रू. बांग्लादेश की डेमोक्रेसी और बांग्लादेश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमसे अच्छा है? या बांग्लादेश की सरकार में वो इच्छा शक्ति है, वो राजनीतिक प्रतिबद्धता है जो हमारे यहां नहीं है? बांग्लादेश की सरकार को किसी सेक्युलरिज्म का लकवा नहीं मारा गया है, उसको किसी जेनोसाइडर से सेक्युलर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है. वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनको पता है कि अगर इन फंडामेंटलिस्ट को हम पनिश नहीं करेंगे तो हम सिविलाइज्ड सोसाइटी के रूप में नहीं रह पाएंगे. लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई चिंता नहीं. इसलिए जब सैयद सलाहुद्दीन इस्लामाबाद से हड़ताल का कैलेंडर घोषित करता है कि 8 जुलाई को बुरहान वानी मारा गया था और 13 जुलाई को 1931 में हमारे राइटर्स मारे गए थे, सो 8 से 13 तक एक हफ्ते का हम लोग हड़ताल कैलेंडर घोषित कर रहे हैं, तो विद इन आवर्स आज की जम्मू कश्मीर सरकार कहती है इन हफ्तों, इस पूरे हफ्ते में हम स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद रखेंगे. इससे पहले कि लोग कहें कि हाँ हम हड़ताल के समर्थन में है, सरकार कहती है कि आपकी हड़ताल को तो सफल हम बनाएंगे. ये कर रहे हैं हम लोग कश्मीर में. ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? ये प्रश्न खड़े करने में आज आपके पास आया हूं. 1947 में क्या हुआ, किसने क्या गलतियां की, वो इतिहास की बात है. आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, आप आर्ग्यूमेंट सुन सकते हैं. मैं जगह जगह इस विषय में बोलता रहा हूं, यूट्यूब पे वो तथ्य उपलब्ध हैं, उस पे बहुत से पेपर्स और बुक्स लिखी जा चुकी हैं. इफ यू रियली वॉन्ट टू नो, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम टेलिंग यू अबाउट दैट, बट यू मस्ट नो वट इज हैपनिंग टूडे. पिछले 3 साल में कश्मीर में जो हो रहा है वो तो आज तक कभी नहीं हुआ. पिछले साल बुरहान वानी 8 जुलाई को मारा गया था. आप सोच सकते हैं कि क्या किया गया उसके एनकाउंटर के बाद. उसके शव को
ऐसा सेंड ऑफ मिला जैसा शायद इस देश में महात्मा गांधी के शव को नहीं मिला था। ये वहां की सरकार ने तय किया, लोगों ने कर्फ्यू डिफाई किया, आर्मी और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस घर दुबक के बैठ गए। आपको याद है जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था तो ओबामा ने उसकी डेड बॉडी की फोटो तक नहीं छपने दी थी कहीं। दुनिया तरस गई थी देखने के लिए कि मरा हुआ ओसामा लगता कैसा है, याद है ना आपको। तो ओबामा मूर्ख नहीं था। हम लोग इन आतंकवादियों के, इन जेनोसाइडर्स के, जिहादियों के इतनी धूमधाम से जनाजे निकलवाते हैं क्यों? इस सरकार ने किया है ये, पिछले 3 साल में हुआ है ये, पहले नहीं होता था। आपको याद होगा अफजल गुरु की वो बॉडी मांगते रह गए थे, वो तिहाड़ में किसी अनमार्क्ड ग्रेव में बरिड है, वो कश्मीर नहीं गई थी। अजमल कसाब को जब फांसी लगी थी उसका कोई जनाजा नहीं निकला था। लेकिन हां अभी मुंबई में याकूब मेमन को जब फांसी लगी थी, आपको मालूम है कितने हजार लोग जमा हो गए थे? डिड ही डिजर्व अ पब्लिक फ्यूनरल? किस लिए? किससे आप अप्रूवल का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? याकूब मेमन को एक स्टेट्समैन का फ्यूनरल देने का काम क्यों कर रहे हैं आप? वहां तो कांग्रेस सरकार नहीं है ना, महाराष्ट्र में, और कश्मीर में भी अब वहां कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की सरकार नहीं है, राष्ट्रवादी है ना वहां सरकार में। वहां तो नेमलेस फेसलेस पाकिस्तानी टेररिस्ट के शव भी लोकल मॉस्क को दे दिए जाते हैं और 40-40, 50-50 हजार लोग निकल करके जलूस निकालते हैं उनके जनाजों का। सोचिए क्या होगा अगर कोई 10-15 साल का लड़का जो स्कूल ड्रॉप आउट है, जिसको घर से भी डांट पड़ती है और मोहल्ले से भी झिड़की पड़ती है कि तुम क्या करते हो, उसको दिखेगा कि देखिए हीरो मार्टिडम ग्लोरी का ये क्या जबरदस्त शॉर्टकट है। इसके लिए पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, कोई डिग्री अर्जित नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत करियर नहीं बनाना पड़ता, एक बंदूक उठानी पड़ती है। उससे क्या लगता है, उससे सब आपके सामने झुकते हैं, आपको पैसा भी मिलता है, आपकी वाहवाही भी होती है। इस तरह रिक्रूटमेंट हो रही है कश्मीर में और ये रिक्रूटमेंट होने दी जा रही है। दूसरा एक काम जो कश्मीर में हुआ है वो ये है कि आपने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को पंगु बना दिया है। आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस को देखिए, वहां के टेररिस्ट नहीं चाहते कि वहां आर्मी तैनात हो, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हो, तो वो बार बार एक वर्ड कहते हैं डीमिलिटराइजेशन। डीमिलिटराइज कीजिए कश्मीर को। भारत सरकार कहती नहीं 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 डीमिलिटराइज नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक आसान रास्ता निकाल दिया है कि मिलिट्री रहने दो लेकिन जवान को, हथियारबंद जवान को एक बिजली के खंभे की तरह खड़ा कर दो, जो हथियार होते हुए भी उसका इस्तेमाल ना कर सके, जो मानसिक तौर पर ऐसे प्रेशर में हो कि अगर मैं गाली का जवाब डांट करके भी दूं तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, मुझे खड़े होकर के केवल अपने संयम का परिचय देना है, अपनी सहनशीलता का सर्टिफिकेट जुटाना है उस जिहादी से, उसकी लात घूंसे खाकर भी, उसकी गाली खाकर भी, उसके थप्पड़ खाकर भी चुप रहना है, क्योंकि मैं एक बड़ी मैच्योर और टॉलरेंट आर्मी का जवान हूं। जब हम लोग कश्मीर से निकले थे तो सैनिकों का दस्ता अगर सड़क पर निकल जाता था तो खिड़कियां बंद हो जाती थीं, लोग दुबक जाते थे, किसी भी उपद्रवी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो दिख जाए। आज वहां जब आर्मी एनकाउंटर करती है तो लोग पीछे से आकर उस पर पत्थर मारते हैं,
आज यहां आने से पहले आज घटना घटी है, शाम को जब आप घर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अनंतनाग में एनकाउंटर हो रहा था, एक लश्करी को मारा गया, तो आर्मी पर, सीआरपीएफ पर, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप पर जो एनकाउंटर कर रहे थे, पीछे से पत्थर फेंके गए। यह हिम्मत कैसे बढ़ी उनकी, यह आपने कैसे होने दिया? ये आपने अपनी आर्म्ड फोर्सेस की धार को, उनके इकबाल को, उनकी प्रेजेंस को, उनकी वर्दी के प्रभाव को खुद बौना किया, खुद कम किया। आपने जनरल ऑफिसर कमांडिंग डीएस हुड्डा से 14 सितंबर 2014 को सार्वजनिक माफी मंगवाई, जबकि एक इंक्वायरी पेंडिंग थी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वहां का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी है, जो भारत का प्रतीक है, भारत की ओर से उस जिहाद का मुकाबला कर रहा है, आप उससे सार्वजनिक माफी मंगवा रहे हैं? और फिर वहां के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज तक किसी सरकार ने सेना के इतने बड़े अफसर से माफी मंगवाई क्या? यह हमारी सदाशयता का प्रमाण है। यह हालत कर दी आपने सेना की। सेना के बंकरों को दिन दिहाड़े बुलडोजर लाकर एक एक ईंट करके तोड़ा जाता है और पूरा शहर इकट्ठा होकर के तालियां बजाता है, सीटी बजाता है, भारत विरोधी नारे लगाता है, आर्मी विरोधी नारे लगाता है, पाकिस्तान के झंडे फहराता है। आप किसको अपीज कर रहे हैं, किसको कंसेशन दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं? क्या इज्जत और क्या प्रभाव रहेगा हमारी आर्मी का, हमारे सुरक्षा बलों का? पुलिस के सुपरिंटेंडेंट और डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट वर्दी पहनकर नहीं निकलते हैं सार्वजनिक तौर पे, खौफ है। बिना वर्दी के मोहम्मद अयूब पंडित को पकड़ लिया था, पहचान लिया और मार दिया गया, डीएसपी था अभी पिछले हफ्ते, सुना है ना आपने? इन एसपीज ने फेक आईडीज बना ली हैं कि अगर हमें गलती से किसी ने धोखे में पकड़ लिया तो हम कह सकते हैं कि हम पुलिस वाले नहीं हैं, ये हमारी दूसरी आईडी है। ये ऐसा डिमोरलाइज किया है आपने, क्यों क्यों होने दे रहे हैं ये सब? लिख करके दे दिया है कि 370 नहीं हटाएंगे। जिस 370 को हटाने के लिए आपका जन्म हुआ था 1950 में, जिसके लिए पूरे देश में आपने अभ्यास वर्क किए, कार्यशालाएं की, गुरुदक्षिणा के कार्यक्रम से लेकर विजयदशमी के संबोधन तक घुट्टी में घोल के पिलाया हमको कि 370 क्यों हटनी चाहिए, लिख करके दे दिया कि नहीं हटाएंगे, लिख करके दिया कि हुर्रियत से बात करेंगे। क्या मजबूरी है, कौन सी नीति है? यह प्रश्न एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रबुद्ध नागरिक जब खड़े करेगा तो शायद व्यवस्था अपना आचरण बदलेगी। हम लोग शांतिप्रिय सभ्य समाज हैं, हम जानकारी रखें, जानकारी बढ़ाएं और अपनी प्रबुद्धता का, अपनी जागरूकता का परिचय इस तरह दें कि अपने प्रतिनिधियों से, अपनी चुनी हुई सरकारों से प्रश्न पूछें। सामाजिक संगठनों में, चर्चा में, उन तथ्यों को उनके सामने रखकर उनसे जवाब मांगे, जवाबदेही पैदा करें तो बच पाएंगे। वरना मुझे नहीं लगता, दिल्ली की पड़ोस में है एक स्थान, जहां 2011 में हिंदू जनसंख्या केवल 18% रह गई थी, उसके बाद अभी सेंसस नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर के पास
उस जगह का नाम है कैराना, वेस्टर्न यूपी है। आज एस्टिमेट्स हैं कि 8% रह गई है। वहां तो धारा 370 नहीं है ना, भटकल में भी धारा 370 नहीं है। मुर्शिदाबाद में नहीं है, 24 परगना में नहीं है, मालदा में नहीं है, किशनगंज में नहीं है, बारपेटा में नहीं है, नौगांव में नहीं है, देश भर में कश्मीर में ही धारा 370 है। लेकिन पूरे देश में ये फोड़े फुंसियों की तरह जो ट्यूमर्स पैदा हो रहे हैं वो आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण है। हम लोग तो कश्मीर से किसी तरह बहु बेटियों की इज्जत बचाकर, अपनी जान, अपनी पीढ़ियां बचाकर बाहर निकल आए। केवल 3 या 4% की जनसंख्या थी हमारी कश्मीर घाटी में, और हम इस दम पर वहां बैठे थे कि जब तक सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा लहरा रहा है, जब तक बादामी बाग में हमारी सशस्त्र सेना बल के साथ है, जब तक इस देश में हमारी चुनी हुई सरकार और प्रधानमंत्री है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो सब धरा का धरा रह गया, हमें निकल करके आना पड़ा। और 28 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब लौट कर जा पाएंगे, जा भी पाएंगे कि नहीं। ऐसे मुगालते में हम बाकी स्थानों पर न रहे, हमारा तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन अगर हमारे अनुभव से आप लाभ ले सके तो कृपया जागरूक हों, प्रश्न खड़े करें, जवाब मांगे, तैयार रहें। हमारी तरह निहत्थे और बिना तैयारी के किसी दुविधा में और किसी हादसे में शिकार न बने, बस यही आपसे प्रार्थना है। मैंने अपने समय से बहुत ज़्यादा समय ले लिया, मुझे कहा था कि आपको 1.5 घंटा 1 घंटा बोलना है, मैं क्षमा चाहता हूँ। और यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनका जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके धैर्य के लिए। हेलो सर, वी आर डिलाइटेड बाय योर अवेकनिंग स्पीच सर, वी आर वेरी मच डिलाइटेड एंड ऑल द पब्लिक आई थिंक गैदर्ड हियर विल बी taking your inspiration. The only question that I want to put is, what is the solution? Simple thing. For this Kashmir. Because in our friend circle, in day-to-day life, all the people, the only one question that arises is, what is the solution for that? Thank you. I think this is one question that I kept getting asked all this while, and I have a very simple answer for it. First and foremost, please bring within yourself, those who have to decide, the political will to solve. Currently, the will is missing. What we are trying to achieve is postponing the problem and buying peace in the short term, in the interim, manage somehow, from one day to another, from one week to another, and in some cases, from one election to another. Number one. But what I have shared with you is not the solution. The solution is, you have a robust constitution. You don't let it flow on ground. You don't apply it. For example, Article 370 prevents the full flow of Indian constitution into the state of Jammu and Kashmir. How? The parliament, which is the highest body in this country, highest sovereign body with right on every square inch of the territory of India, has no jurisdiction over the state of Jammu and Kashmir. Has no jurisdiction, cannot pass laws. So what happens? In 1988, it passed a law called Anti-Corruption Act 1988. Remember, in 1987, there was a huge Beaufort scandal and country was up in arms. So the government then tried to appease
by bringing a very tough legislation. It is indeed tough, which is why you see a lot of ministers and MPs and bureaucrats going to jail these days. This Anti-Corruption Act 1988 is not applicable in the state of Jammu and Kashmir. The same year, there was another act, Prevention of Misuse of Religious Places and Institutions Act, which prevented the places of worship from stockpiling arms and ammunition or misusing them for political purposes. This act is not applicable in the state of Jammu and Kashmir. When I say people are mobilized to pelt stones on the army busy in an encounter, the mobilization happens from the mosque loudspeakers. When we were chased out of Kashmir, at the dead of the night, in January cold when it was snowing outside, it was from the mosque loudspeakers we were told, go, get out, but leave your daughters and sisters behind. Please implement law. When I say not one murder has been punished, the solution is when you start punishing crime instead of making deals with criminals, this is what happens. Solution is apply the constitution, apply the law, apply the criminal justice system. Whoever violates must pay, must face the consequences. So first and foremost, if you are able to do this, you would have won half the battle. Instead, you are wining and dining them. You are funding them. You are making deals with them. So stop making deals with the criminals and jihadis in Kashmir. Stop signing agendas of alliances with them. Expose them, punish them, take them on. Politically, if they are politically espousing the cause of separatism. Militarily, if they are picking up the gun and coming as insurgents against you. That, sir, is the solution to start with. What is the status of the properties that were left out when the exodus took place? Burnt down, brought to dust. Not when we were living there, after we left. To either grab the property or the land. Temples have been desecrated. And now, the funniest part is, and this is amazing, even the traces of our history are being erased so that you can't even claim that you some years ago belonged there. I'll give you the reason. There is a hill. Those of you who have gone to Srinagar, there is a hill called Shankaracharya Hill. There's a temple on top. The name has been changed to Takht-e-Suleiman. There is a Hari Parvat where there is a Sharika temple. Sharika is one of the most revered goddesses of Kashmir. She is the incarnation of Durga. She is also located on a hillock called Hari Parvat, which is also, can you believe, the Vishnu Tantra Shakti Peeth. Most of the Tantric Shakti Peeths are Shaiva. This is a unique Shakti Peeth, which is Vaishnav Tantra Peeth. That hill from Hari Parvat has been renamed as Kohe Maran. Anantnag has been renamed as Islamabad. Vicharnag, where we used to write our panchang, that Saptarishi Samvat, where all Jyotishis would come, look at the planetary positions, create Muhurat, write the new Jantri, that Vicharnag, where they would get together at the beginning of the spring on Vasant Panchami, that Vicharnag has been renamed as Firdaus. Srinagar is referred to as Shahr-e-Khas.
This is how you are erasing even the traces of your presence in the places where you lived. I can go on and on and on. कृष्ण आपने आपके भाषण में कहा कि हमारे समुदाय को लकवा भर चुका है, क्या हम इस लकवे से बाहर आ सकते हैं? 800 सालों का लकवा जो है, और सर कोई भी सरकार 370 आर्टिकल हटाना क्यों नहीं चाहती, कोई भी हो, पहली हो या अभी की हो, इतना क्या इंटरेस्ट है, इतनी क्या मजबूरी है कि वी कैन नॉट ट्रिपल 370 आर्टिकल? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद. मैंने ये नहीं कहा कि लकवा मारा है, मैंने कहा क्या लकवा मार गया है. मुझे तो विश्वास नहीं होता कि 125 करोड़ का समाज अपने ऊपर जो हो रही है वो होने दे, होना ही देता रहे. तो ये अपने आत्ममंथन का एक विषय है. दूसरी बात, ऐसी क्या मजबूरी है कि कोई सरकार 370 नहीं हटाती? तो मैं सरकारों के विषय में आपको एक छोटी सी अपने अनुभव जनित बात बता दूं. सरकार और व्यवस्था का एक मिजाज होता है, एक नेचर होता है, वो है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. वो किसी एनजीओ की तरह काम नहीं करती है, किसी स्वयंसेवक की तरह स्वयं स्फूर्त होकर अपनी प्रेरणा से, अपने मूल्यों की प्रेरणा से काम नहीं करती है सरकार. सरकार जो सस्ते में आसानी से निपट जाए वो करती है. और 370 जैसी धाराएं हटाने का पंगा भी नहीं लेती है. अगर उसको हटाए बिना काम चलता हो तो क्यों करेगी? क्योंकि कल को बवाल होगा, जवाब देना पड़ेगा, उन शक्तियों से लड़ना पड़ेगा, लोहा लेना पड़ेगा. आप ले दे के काम करने में विश्वास रखते हैं, बहला फुसला कर पुचकार कर तो फिर कैसे चलेगा? आप जिहाद के नेचर को समझ नहीं रहे हैं. वो बिना आपको निगले छोड़ेगा नहीं. और आप मगरमच्छ को अपने अंग खिला रहे हैं कि भैया बाकी की बॉडी छोड़ देना, आज हाथ ले जा, कल को पांव ले जाना, लेकिन जिंदा छोड़ देना. सो यू फीड योर रिलेटिव्स टू द क्रोकोडाइल टिल सच टाइम इट इज योर टर्न. नो, दैट इज हाउ गवर्नमेंट्स बिहेव, इररेस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी रन्स द गवर्नमेंट. लेट मी टेल यू दिस, गवर्नमेंट्स बिहेव इन अ सर्टन मैनर, एंड अनलेस यू फाइंड अ वे of getting your elected government to work according to your wishes, then you will also have to change and get that government to work for you. That's where the answer lies. Thank you, sir. Namaste, Sushil. जगह पे छोटे-छोटे टुकड़ों में नजर आती है, जैसे भटकल हो या कहराना हो. क्या ये माना जा सकता है कि हम लोगों का जो एक कहा जाता है कि हिंदुत्व का तत्व सर्वे भवंतु सुखिनो वाला जो एक रोमांटिक आइडियालिज्म है, क्या यही इन चीज़ों के पीछे मूल रह चुका है? क्योंकि बुरहान वानी हथियार उठा सकता है एथनिक क्लिंजिंग करने के लिए, पंडित नहीं उठा सकते? देखिए, या तो आप तय कीजिए. हमारे यहां पंडित तलवार लेकर चलते थे. जब शाहे हमदान आया तो उसने सुल्तान से कहा कि ये 10 शर्तें जब तक अपने समाज में लागू नहीं करोगे तब तक मैं यहां नहीं रहूंगा. वो शाहे हमदान ईरान से आया था और उसने उस सुल्तान शमसुद्दीन डायनेस्टी के सुल्तान को बोला था कि तुमने मुझे बुलाया है, और उन 10 शर्तों में एक शर्त यह थी कि हिंदू ऐसे कपड़े पहनेंगे जिससे वो मुसलमानों से अलग दिखाई पड़े. उनको वैसा कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी जिससे वो उसमें घुल मिल जाएं, छुप जाएं, बच जाएं, और वो हथियार लेकर नहीं चलेंगे. 10 शर्तें लगाई गई थी. You disarmed an entire community and you made them like a lamb to slaughter. आज भी 1862 का आर्म्स एक्ट हम पर लागू है. उस आर्म्स एक्ट को ब्रिटिश ने हमारे ऊपर थोपा था क्योंकि 1857 की क्रांति में हमने उनका काम निपटा दिया था. तो आज एक समाज को जब आप निहत्था करके रख देते हैं, वो अपनी सुरक्षा में कुछ हथियार नहीं उठा सकता क्योंकि कानूनन आपने उसके हाथ पांव बांध दिए हैं, और आप उसको उस तरह की मानसिक तैयारी नहीं देते हैं. फिजिकल प्रिपेयर्डनेस तो दूसरी बात है, मनोवैज्ञानिक, क्या आप उसको ये कहते हैं कि देखिए आज से आप अपनी सुरक्षा के खुद जिम्मेदार हैं?
नहीं, आप कहते हैं कि वो हम करेंगे, हम करेंगे कि नहीं करेंगे दूसरी बात है, लेकिन आप हमसे आगे नहीं जाएंगे इस विषय में। तो ये ज़्यादा बड़े प्रश्न हैं। आप एक 3% माइनॉरिटी जिसको आपने निहत्था करके रख दिया है, जो किसी तरह वहां पर जिंदा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे? हमें छोड़िए, आज अगर किशनगंज से, पूर्णिया से, अररिया खगड़िया से, कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों मजबूर हैं? क्यों औने पौने में अपनी मकान दुकान खेत जमीन बेच करके भाग रहे हैं? क्योंकि हम जैसे समाज ने आज तक, अभी तक हमारे किसी संगठन ने, किसी आंदोलन ने वो मैनुअल तैयार नहीं किया है कि हम एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी या एक छोटी माइनॉरिटी रहते हुए एक अग्रेसिव मेजॉरिटी के बीच में कैसे रहेंगे। सो वी टेक द इजी वे आउट, वी कट आर लॉसेस, वी सेव आर लाइव्स एंड वी गो टू अ सेफर प्लेस। वी हैव नॉट इवॉल्व्ड, द एंटायर हिंदू सोसाइटी has not evolved a manual of how to live as a minority in the middle of an aggressive majority which is out to annihilate you. और ये जो सर्वे भवंतु सुखिना का हम कॉलिंग कार्ड देते हैं, ये हम खुद को डिसेप्शन में रखते हैं। जिसको हम ये पाठ सुना रहे हैं ना, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सर्वे भवंतु सुखिना कहने की स्थिति में तब होते हैं जब आप स्वयं को सुखी रख सकें। यदि आपकी जेब में 10 पैसे हो तो आप 1 पैसा किसी को दे सकते हैं। यदि आप सुरक्षित नहीं है, आप किसको अभय का दान देंगे? पूरा हिंदू समाज विश्व की 15% जनसंख्या है, लेकिन विश्व की जीडीपी में हमारा योगदान 5% का है। हमारे जिन पूर्वजों ने सर्वे भवंतु सुखिना कहा था, उनका वर्ल्ड जीडीपी में 30% योगदान था। उस बल पे कहते थे। तो हमें यथार्थ का सामना करना पड़ेगा। मंत्रोच्चार के दिन गए, हां ये मूल्य हैं, इन्हें सहेज के संभाल के रखना है, लेकिन जब तक अपना सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा तब तक ये मूल्य खोखले हैं। केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा। सर, can we take one more question, sir? Sir, the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh was conditional one. All the authority of state of Jammu and Kashmir were not handed over to Union of India. So revocation of Article 370 is not that easy. The people who were shouting for the removal of Article 370 since independence, now today they are in power in Kashmir and in center, leopard removal of Article 370, they are not ready to talk about Article 370. I'm happy you brought it up. I thought, because I've been talking about it so often, I thought repeating it, but this is an extremely important question and I'll like some minutes here. First of all, I'll give you some facts. The document of accession which brought Kashmir into Union of India was signed on 26th of October 1947. This document of accession is exactly the same, not even a full stop or comma is different from what 562 other princely states signed in order to merge into India. Okay, sir? In 1947, on 26th of October, what Maharaja Hari Singh signed was exactly what other 562 princely states signed to merge into India. That document of accession is the same. Yes, all those documents of accession were conditional. There were 4 things that Government of India, Union of India, had in their power. External affairs was one of them. Defense was another. Communication was third, and currency was fourth. So it was same for the state of Jammu and Kashmir. Then
India got busy putting together its constitution. You must remember, at that time, in 1947, there was no constitution. Constitution writing was concluded on 26th of November 1949. And 10 days before that, the idea of Article 370 emerged. Not at the time of accession, sir. And at that time, when Sheikh Abdullah, who was part of Constituent Assembly that wrote the Constitution of India, and his three other colleagues from Kashmir, came to Nehru and said, "We are a Muslim majority state. What about a special status for us?" Nehru said, "Go to Dr. Bhimrao Ambedkar. He is the chairman of drafting committee. Give him your proposal. He'll do it." When Sheikh Abdullah goes to Dr. Bhimrao Ambedkar and Bhimrao Ambedkar read his proposal, Bhimrao Ambedkar's response was, "Are you asking me to backstab this newly independent republic by creating a provision, which discriminates against the citizens of India and gives special privileges to just the citizens of Jammu and Kashmir? That citizens of Kashmir can do whatever they feel like in rest of India, but rest of India cannot do anything in the state of Jammu and Kashmir? And I cannot commit this treachery," and he refused to incorporate it. Because Congress had the majority in the Constituent Assembly, Nehru thought that the working committee of Congress, if adopts this, Constituent Assembly will automatically have to adopt it. You would be pleased to know that Working Committee of Congress, in one voice, without exception, rejected Article 370. Refused to take it. Then Nehru had to tell Sardar Patel and also Gopalaswamy Iyengar, who was his minister without portfolio in the cabinet, to make sure that this article is included in Constitution of India while he was going on a visit abroad to London. Because it was an interim government, because Patel and Nehru had a very difficult relationship, and Patel did not want to be accused of plotting against his own prime minister, he had to comply. And what he did was, in order to create a safeguard, wrote two words preceding and defining this article, saying it is a temporary and transient provision. So Article 370, as per its text, is a temporary and transient provision in the Constitution of India. It is another matter that it has been temporary for the past 70 years. So what happens? When Constituent Assembly is adopting Article 370, Dr. Bhimrao Ambedkar boycotts that session and walks out. Please remember. Please read what he has to write about it. So this happened in November 1949, while the process of integration of states was on, and every other prince and the principality and the Rajwadas, the princely states, got integrated into India, it came through a process. They created a constituent assembly in their respective places. And those constituent assemblies gave themselves a constitution. In some cases, they say, "We don't want to give ourselves a constitution. We adopt it as our own." And that is how those four areas of exception got removed and a full integration took place. Jammu Kashmir also gave itself a constituent assembly. They also created a constitution of India. Constitution of Jammu and Kashmir, incidentally,
Jammu Kashmir has a constitution different from constitution of India. The only state. Article 370 provided for it. It says in that constitution, Article 3, that Jammu Kashmir is an inalienable part of India. It says so. But it creates a lot of other travesties. What does it do? Now, that constitution was promulgated in 1957. It was finalized in 1956. Constitution of India was promulgated on 26th of January 1950. So 7 years later, if a new constitution comes by a state of Indian Union, you can always expect it to be an improvement over an earlier constitution. Whenever a new thing is brought about, you have other examples in front of you to improve upon, right? This is a regressive document. Do you know Constitution of Kashmir has no fundamental rights? No mention of fundamental rights. Constitution of India has minority rights. Article 25 to Article 30 gives such privileges to the minorities of India that are not available to even majority community. The Constitution of Kashmir doesn't utter the word minority even once. Do you know the perversion because of this? We 3% Hindus in the valley of Kashmir were the majority. And 97% Muslims of valley were the minority. And this is what 370 allows. So 370 was not a condition basis which accession happened. Accession happened more than 2 years before 370 was even thought of or incorporated, number one. Number two, 370 is an article which is temporary and transient, it has to go. Number three, it is part of Indian constitution, not the constitution of Jammu and Kashmir on which Jammu and Kashmir Assembly has any jurisdiction. Constitution of India's jurisdiction is within parliament. And even parliament is not needed to repeal this because it is temporary and transient. After the Constituent Assembly was dissolved, the powers rest with the president. Incidentally, there was another provision which was temporary and transient besides 370 that was taken off 5 years later with mere presidential proclamation, which means even this needs only a presidential proclamation and nothing else. If somebody tells you that you need majority in this session, in this house or in that house, please show the present finance minister and defense minister his own speeches on YouTube where he says that only a presidential proclamation is needed. As a lawyer, he said so. His own opinion. This speech was delivered in India International Center in 2014, January. I was witness to that speech. So when he was in opposition, and that speech is available on YouTube, please go and listen to him. So Article 370 has to go. It will not change anything on ground. Let me tell you, it will only create a constitutional mechanism for you. Eventually, it is your political will. It is the measure of your political will that will work. Removing Article 370 is like placing a piece of cake in front of you. I can do that. But to eat it, you will have to reach out and put it in your mouth. If you are not willing to do that, if you don't have the guts for it, sorry, nothing can help you. मैं ये जानना चाहता हूँ कि after मोदी जी के सरकार आने के बाद कुछ चेंज हुआ है क्या सर ग्राउंड और आपके लिए कश्मीरी पंडितों के लिए इन लोगों ने वादा किया था कि रिहैबिलिटेशन करवाएंगे आपका उसका क्या अभी क्या स्टेटस है सर मैं डर रहा था कि मुझसे कोई ये प्रश्न ना पूछे लेकिन मुझे आपको इस विषय में डिसअपॉइंट करना पड़ेगा कि पिछले 3 वर्षों में कश्मीर की जो स्थिति हुई है
वैसी पहले कभी नहीं थी। आज कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है, वहां जो परिस्थितियां ग्राउंड पर हैं, ऐसी बुरी हालत पहले कभी नहीं थी। हमारी बात छोड़ दीजिए, हमसे तो कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक टोकनिज्म किया था कि उन्होंने कहा था हम कुछ 6000 नौकरियां देंगे, उन 6000 नौकरियों को कश्मीर घाटी में देंगे, कश्मीरी हिंदुओं को देंगे ताकि वो वहां जाकर के रहने लगें। अब कहां रहें, तो उन्होंने कहा कि आप लोग सुरक्षित तो कहीं रह नहीं सकते, तो आपके लिए हम 6 कैंप बनाएंगे। ठीक है, तो पोटा केबिन्स के 6 कैंप विद सिक्योरिटी बनाए गए और वहां 6000 नौकरियां तो नहीं दे पाए, 1200 नौकरियां दी, तो 2-2, 250 करके 6 कैंप में 1200 लोग रहते थे जो बिना फैमिली के वहां गए। पिछले साल 8 जुलाई को बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद इन 6 के 6 कैंप को घेर करके इतने पत्थर बरसाए गए कर्फ्यू के दौरान कि आज वो सारे एम्प्लॉयज वहां से भागकर वापस जम्मू आ गए। तो जो काम मनमोहन सिंह के टाइम में एक टोकनिज्म था, हम कहते रह गए कि देखिए जब तक ग्राउंड में सिक्योरिटी नहीं है आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप अपने सर से बला टालने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जी हमने नौकरी दे दी, हमने कुछ लोगों को वहां कर दिया, अब वो लोग रह रहे हैं तो आप लोग भी जाइए, अपने आप रहना शुरू कीजिए। तो स्थितियां बहुत बिगड़ी हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ी हैं। और आगे न बिगड़े इसकी कोई गारंटी नहीं है, स्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू।